प्रोडक्ट। उड़ान देखो जी, उड़ान है, उड़ान है, मंत्री जी उड़ाने मुँह करियो, उड़ाने मुँह करो जी, अठिले अठिले वाले उड़ा देखो, हाँ देखो कमीशन के मेंबर भाई देवेंद्र यादव खातू, दिनेश यादव मंडल अध्यक्ष नांगड़ सुरोई, विवेक खैरवाल मंडल अध्यक्ष महेंद्रगढ़ ग्रामीण, सतवीर सिंह भैरो मंडल अध्यक्ष पाली, अशोक शेखावत मंडल अध्यक्ष सतनाली, कुलदीप शर्मा मंडल अध्यक्ष नगर का, और हमारे प्रदेश कार्य समिति के तीनों सदस्य कप्तान राजेंद्र लंबा डारणवास, भाई देवेंद्र यादव खाचोत, सुधीर दीवान महेंद्रगढ़, युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति के पवन खैरवाल, नवीन शर्मा, सभी हमारे जिला के अध्यक्ष राकेश शर्मा एडवोकेट, हमारी बहन निर्मला तंवर, मोनिका नागर, हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश के मंत्री सुंदर गुर्जर, हमारा जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा एडवोकेट, और आज हमारे बीच में ठीक 10:15 हमारे बीच में पहुंचे हरियाणा सरकार के कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल। अब सब लोग महेंद्रगढ़ के कार्यकर्ता उनका हार्दिक अभिनंदन करते भारत माता की जय। आज 1857 के स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम नसीबपुर में लड़ाई लड़ी थी देश की आजादी। आज भी नसीबपुर में हमने वाटर सप्लाई जब सरकार में आए तो राव तुलाराम के नाम से वहां योजना बनाई। आज भी नसीबपुर हमारे जिला अध्यक्ष का गांव नसीबपुर है। आज भी जब वहां खुदाई करते हैं तो उस धरती की माटी का रंग लाल। आज उस बाबा के चरणों में राव तुलाराम के, आज महेंद्रगढ़ भारतीय जनता पार्टी के अब 44 डिग्री टेम्परेचर। पत्रकार मित्रों, छायाकार मित्रों, ये महेंद्रगढ़ बीजेपी की छावनी इसलिए कहलाता हूँ कि 44 डिग्री टेम्परेचर में अभी एक ट्रैक्टर राव तुलाराम चौक पर पहुंचा है और एक ट्रैक्टरों की लाइन चीतलांग में रमेश तंवर और कृष्ण तंवर शहीद को बाला पहनाते हुए आ रही। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अदवाणियों ने भी नाटक किया था देवेंद्र आजिया। चलो सुनील लांबा, जब रंजपूतों ने दिया तो खुदा याद। भारतीय जनता पार्टी आज, अब क्योंकि समय ज्यादा हो गया है और मैं जेपी दलाल का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और जेपी दलाल को जब हम याद करते हैं तब हमारे बीच में उपस्थित हो जाते हैं। पीछे इनके तो शीर्ष मंडी में आई है क्योंकि चादुराम सड़क हाल शीर्ष 7,000 बिक गई, हम 45 अंकित में थे। चादुराम जी सरपंच साहब है जी, मेरे बच्चों के मामा भी हैं, जब तक इनको गाल गुप्ता नहीं करे नहीं कहता कि शिकायत करते आज बैठे ठीक से ना बोल। तो महेंद्रगढ़ विधानसभा में 5 जगह है अनाज मंडी लगाई, सतनाली में, पाली में,
आपको गांव में, खुडाना में, महेंद्रगढ़ में पाली के लिए कुछ अतवाड़िया कहने लग गया पूरे वही मंडी पूरे पाली में केंद्र लगे। मैंने दलाल साहब को एक घंटी मारी पूरे में आयो और वहाँ पाली में बाबा जयराम के खड़े होकर के कहा कल से यहाँ खरीद शुरू होगी। बोल बाबा जयराम दास की और इनके 2250 रुपया बिके वो बाजरो 2200 वाला सीजन सड़क से इनके कपास ना वही बाजरो बोल कैलाश संतु सिंह पंत बाजरा का एक एक दाना। कृषि मंत्री हमारे बीच में है बाबा राव तुलाराम के चरणों में खड़े हैं और देखो भगवान की कृपा जल्दी सोलदार कितनो तेज घामड़ो। बुजुर्ग न्यू कहा करता भाई इसी गर्मी में चील अंडा दे सेक नहीं से करीब जितना आदमी थम खड़े सो बादल हो रो से नहीं हरिओम तुम बारिश भी आने वाली है जी बारिश भी आने वाली। विद्यानंद लांबा मुख्यमंत्री 28 तारीख ने नारोल आयोग नहीं आया। दो दिन से बादल घूम रहे लोग ने बोले बाबा देख शहर के लिए मुखबत मैं कही कि नहीं रखे। मैंने कहा दो दिन से बादल घूम रहे हैं जिले में बरस नहीं रहे श्यामपुरा से लेकर के और गोद बड़ावा तक और भेडंटी दोस्तपुर से लेकर के और इधर कनीना करीरा तक और लोग मेरे से पूछ रहे हैं ये बादल क्यों नहीं बरस रहे। मैंने कहा पहले मुख्यमंत्री को बरसाएंगे फिर बादल बरसाएंगे। पंडित राम विलास शर्मा जिंदाबाद जनता पार्टी। अपने अजीत जिला अध्यक्ष सुंदर गुजर हमारे युवा के जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आज अच्छा हुआ आज वाड़ियों को भी हमारी ताकत का पता लग गया और गैलरी गलियां मार कर गया। जब यात्रा हमने शुरू की पत्रकार छायाकार मित्रों तब कुछ लोगों ने कहा बाबा तू जेपी दलाल की होड़ मन्ना करे उस तो घर घर ट्रैक्टर है तेरे तो गांवों में कम ट्रैक्टर है मगर मेरी जजमानी बहुत लंबी है। पंडित राम विलास शर्मा जिंदाबाद। अधिक ना बोलते हुए आज हमने तिरंगा यात्रा सतनाली से जोगिंद्र शेखावत शहीद की मूर्ति को माल्यार्पण करके जमुई माता के आशीर्वाद लेकर के और सुरेती में महिपाल पूनिया कर्नल को और आज जाटवास में भूप सिंह के पिताजी को और ये यात्रा हुई अपने भोज को भोजन पानी तो सब करेंगे। मैं जेपी दलाल से निवेदन करूंगा कि दो शब्द हम कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। कृषि मंत्री जेपी दलाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वैसे रामविलास जी के बाद बोलने का मेरा हक नहीं बढ़ता लेकिन भाई दिया है तो दो शब्द खर्च करूँगा। भाई मेरा उसका हल्का लोहारू आपको पता है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। और जब भी लोहारू जाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि रामविलास जी का आशीर्वाद लेता हुआ जाऊँ और आज मुझे आदेश हुआ था तिरंगा यात्रा में शहीदों की बदलती पर नमन करने के लिए बुलाया। शर्मा जी ने बड़ा खुशी खुशी में आया और दिल खुश कर दिया आप लोगों की रैली ने। ट्रैक्टर दिया है जनता ने समर्थन दिया है शहीदों को नमन किया है और ये भ्रम मेट दिया दुष्प्रचार था पिछले कई महीनों से उसका इलाज आप लोगों ने कर दिया। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वीरों की भूमि है शहीदों की भूमि है और मिलजुल करके अपने इलाके की तरक्की के लिए जो काम करने होंगे जो पंडित राम विलास जी का आदेश होगा मैं तो भाई उसका पालन करने आऊँ। पंडित राम विलास शर्मा जिंदाबाद। जिंदाबाद। अच्छी मंडी चलेगी अच्छे भाव मिलेंगे
नहरों का पानी मिलेगा, खाद भी ठीक मिलेगा और भाई हमारे इलाके में खुशहाली आओगी। इस दिशा में सारी सरकार काम कर रही है, हम मिलजुल के काम करेंगे, एक होकर के अपने आने वाले वक्त के लिए जो जो सुधार की चीज़ें कर सकते हैं वो हम करेंगे। और हमारी सरकार की ये नीति है कि गरीब का हक उसको पहले, कमज़ोर इलाके को उसका हक पहले। और जो ये खास कर हमें चाहिए क्या, हमें तो पानी चाहिए, इस इलाके को नहरी पानी मिल जाए, भाव अच्छा मिल जाए, मिल जाए, उसमें आप कमी नहीं छोड़ते। बहुत मेहनती है आपकी कौम है, मेहनत का काम करते हैं, ये इलाका बहुत मेहनती है, सेना में बहुत है, शहीदी बहुत यहाँ की है। और आज हमारे अमर शहीद जो है छत्तर चाहे में राव चोलाराम की मूर्ति के सामने खड़े होके आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। और आज की तिरंगा यात्रा के लिए सभी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। अपने जिला के अध्यक्ष हमारे देश में अपने कर्मचारी प्रकोष्ठ के प्रदेश के अध्यक्ष विद्यानंद जी लांबा भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। अब मैं अपने जिला अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि सभी कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करें। पंडित राकेश शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद। तिरंगा यात्रा में जो कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व शिक्षा मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी के नेतृत्व में जो तिरंगा यात्रा निकली, जिसमें हमारे आग्रह पर माननीय कृषि मंत्री जेपी दलाल जी पहुंचे और इस यात्रा को, ये तिरंगा यात्रा अपने ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा की, उसके लिए मैं जिले के खासकर महेंद्रगढ़ विधानसभा के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि आपने कल्पना से परे जिस तिरंगा यात्रा की, हमने ट्रैक्टर यात्रा की कल्पना की थी बैठकर, उससे परे एक ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा की है, उसके लिए मेरे देवतुल्य सभी कार्यकर्ता बंधु बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत बधाई, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्रोफेसर शर्मा जी की जय। कार्यकर्ताओं के लिए भोजन की व्यवस्था है वहाँ छाया। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।